नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आपके धन के रेखा के बारे में, आपके बिजनेस रेखा के बारे में, आपके व्यवसाय रेखा के बारे में और आपके रोजगार के रेखा के बारे में। धन की सबको जरूरत होती है, कहते हैं जीवन में धन नहीं तो कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ के तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा, कहते हैं ना जीवन की एक एक्टिविटी को बताती है, एक एक घटनाक्रम को बताती है। और इसी प्रकार से हमारी ये बुद्धि की रेखा हमारे विचारों के बारे में बताती है, और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, कहते ना कि हमारे दिल के बारे में बताती है, हमारे प्रेम प्रसंग के बारे में बताती है। आज हमने बात की है धन की रेखा की, रोजगार की रेखा के बारे में। अब रोजगार की रेखा ज्यादातर आपने देखा होगा तो पर्वतों का विकसित होना और हाथ के जो प्रकार होते हैं, या तो वर्गाकार या तो चमचाकार, इन दोनों दो हाथों में ज्यादा आपने देखने को असर पाया होगा। और भाग रेखा का मतलब सफलता, बिल्कुल प्रॉपर रेखा, जैसे कि कहते हैं ना कि हम ये हमारी मणिबंध से निकलकर भाग रेखा शनि के पर्वत तक जाए, और ये जो हमारी मिडिल फिंगर है ये शनि के फिंगर है, और इसके एरिया में जब भी कोई रेखा इंटर करती है, प्रवेश करती है, वो आपकी भाग रेखा करती है। कहीं से भी चले और ये शनि के पर्वत पर पहुंचने वाली भाग रेखा को हम भाग रेखा कहते हैं। और ये भाग रेखा जीवन में बड़ा रोल निभाती है। कहते हैं ना जीवन में सबको पैसे की जरूरत है, और ये भाग रेखा का प्रकार, और ये भाग रेखा अगर आपकी मणिबंध से निकलकर चलती है या शनि के पर्वत तक पहुंचती है, कहते हैं ना ऐसे लोगों का पैतृक संपत्ति, पिता की संपत्ति से लाभ, पिता के कारोबार से लाभ। लेकिन अगर यही भाग रेखा चंद्रमा के क्षेत्र से चलती है, चंद्रमा के क्षेत्र से चलती है, कहते ना ऐसे लोग शादी के बाद भाग्योदय होना, या पत्नी के सपोर्ट से भाग्योदय होना, या कह सकते हैं कि प्रेम संबंध की वजह से भी भाग का उदय कह सकते हैं। और दूसरी ये भाग रेखा अगर चंद्र शुक्र के पर्वत से आती है, शुक्र के पर्वत से, शुक्र का पर्वत जो है इसको हम ससुराल का पक्ष मानते हैं। कई बार आपने देखा होगा शादी होने के बाद घर में अकेली लड़की होती है, लड़का कोई नहीं होता, उस लड़के को सारा गेन मिल जाता है, उसको बेनिफिट मिलता है, तो ऐसी रेखाएं आपने देखी होगी, क्योंकि ससुराल पक्ष को भी हम मानते हैं। वैवाहिक जीवन का जो सुख है वो हमारा शुक्र बताता है। अब कई बार आपने हाथों में देखा होगा काम तो बहुत लोग करते हैं और ज्यादा मेहनत वाला काम करके भी पैसा कमाते हैं, क्योंकि शनि का जो प्रक्रिया हमेशा लंबे समय तक देता है और ज्यादा देर तक देता है और ज्यादा मात्रा में देता है। कई बार कई लोगों के हाथ में भाग रेखा थोड़ी सी ऊपर से चलती है, ऐसे लोगों का जो भाग्य होता है ना थोड़ा सा डिले होता है, बचपना हम कह सकते हैं, डिले होना मतलब अपने दम पर, अपने प्रयास पर, अपनी सफलता पे, ये अपने दम पे प्रयास करके आगे की तरफ बढ़ते हैं जीवन में। वो पिता की तरफ से बढ़े होंगे, ये अपने दम पर बढ़े होंगे। और कई लोगों के हाथ में आपने दो दो भाग रेखाएं देखे हैं, दो दो बिजनेस करते हैं और ऐसे चलता बिजनेस जीवन की तरक्कियों की तरफ लेके जाता है,
उनके हाथों में ऐसा बिजनेस ऐसी बाग रेखाएं होती होगी। और इसी प्रकार से कई बार आपने ये भी देखा होगा, ये बाग रेखा तो है और इसी बाग रेखा से एक रेखा गुरु के पर्वत के ऊपर जाए, ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र से धार्मिक क्षेत्र से जुड़े बड़े औहदे तक पहुंचते हैं और अच्छा नाम कमाते हैं और अच्छा धन भी कमाते हैं। अगर इसी से एक रेखा सूर्य की तरफ जाए, ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र से सरकार के क्षेत्र से जुड़कर अधिक धन कमाते हैं। और इसी प्रकार से इसी भाग रेखा से ये भाग रेखा का उदय होना। अब कई बार आपने देखा होगा भाग रेखा, इसी भाग रेखा से बुध के पर्वत की तरफ जाती है, ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में अति उत्तम धन कमाते हैं, व्यवसाय ऐसा कि दिन दूना रात चौगुनी तरक्की की तरफ लेके जाता है। और कई बार ये व्यवसाय इसी भाग रेखा से निकले, क्योंकि भाग रेखा की बात किया इसमें, सूर्य के पर्वत तक जाए, ये त्रिकोण बनाना अलग बात है, लेकिन अगर भाग रेखा से सन की तरफ जाती है, ऐसे लोग सरकार की क्षेत्र में राजनीतिक के क्षेत्र में ऐसे लोगों को अवश्य जोड़ता, लेकिन वो एक दिशा होगी। कब जोड़ता है? जब भाग रेखा से कोई रेखा किसी भी पर्वत की तरफ जाए और उसका संबंध बने, तो उस एज में उसकी समृद्धि होती है, उसका विकास होता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।